नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख कर लेते हैं खबर की ओर। मेरठ में न्यूटिमा अस्पताल में बिल कराने कम कराने को लेकर हुए हंगामे की जंग बढ़ती ही जा रही है। अस्पताल में हंगामा करने पर सपा विधायक अतुल प्रधान सहित 40 अज्ञात पर विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमे के खिलाफ सपा विधायक अतुल प्रधान आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। सधरना सीट से विधायक अतुल प्रधान ने मेरठ डीएम कार्यालय में अपना धरना शुरू कर दिया है। अतुल अपने समर्थकों के साथ यहां डीएम के दफ्तर के बाहर बैठे हैं। समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान जो हमारे साथ में मौजूद हैं, न्यूटिम अस्पताल को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आज आमरण अनशन पे बैठे थे। अतुल जी, क्या कुछ मामला था जो न्यूटिम पहुंचे? ये जो लूट चल रही है अस्पतालों की, आओ साथियों चलो, ये जो लूट अस्पतालों की चल रही है उसके खिलाफ हम सब लोग, समाजवादी पार्टी, कई किसान संगठन, हमारे आम आदमी पार्टी, सब लोग इसके साथ जो लूट के खिलाफ हैं और निश्चित रूप से ताकत के साथ आने वाले समय पर इनको जो है हम लोग जनता की अदालत में घसीटेंगे। जो न्यूटिमा का वाक्या है उसके खिलाफ हम लोग यहाँ चीजें चला रहे हैं, इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। जांच भी बढ़ा दी गई, जांच से पहले ही मुकदमा दर्ज कर लिया। यही तो चीजें हैं, ये IAS IPS जो अधिकारी हम इनसे साथियों सबसे पूछना चाहते हैं, ऐसी चीजें क्यों, ऐसा गलत काम क्यों कर रहे हो भाई? जब आपके पास ताकत दी है ऊपर वाले ने, इस ताकत का सही इस्तेमाल करो, गरीबों की मदद करने के लिए काम करो। हम सीधे MDA चल रहे हैं, आप MDA भाई आज अनशन पर बैठे और 3 दिन के लिए स्थगित कर दिया। 3 दिन के लिए स्थगित, त्योहार है और त्योहार की वजह से 3 दिन का समय जो वरिष्ठ अधिकारियों ने मांगा, हमने 3 दिन का समय उन्हें दिया और त्योहार तक का समय दिया। उसके बाद अगर ये चीजें नहीं होती सोल्व तो फिर हम दोबारा करेंगे। तो बिल्कुल, ये अतुल प्रधान जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि 3 दिन के लिए इस आमरण अनशन को स्थगित कर दिया गया और उसके बाद में यदि पुलिस और प्रशासन की तरफ से निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की जाएगी तो दोबारा आमरण अनशन शुरू कर दिया जाएगा। मेरठ से अपने सहयोगी के साथ मैं राजन सोनकर, प्राइम टीवी मेरठ। अयोध्या में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विवादित बयान पर बीजेपी महिला मोर्चा की महानगर मंत्री स्वाति सिंह ने हमारे संवाददाता से बातचीत की। आइए आपको भी सुनाते हैं कि इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है। नमस्कार, मैं शक्ति ठाकुर, धर्म नगरी अयोध्या से। एक बार फिर से हम प्राइम टीवी के साथ में आ चुके हैं, हमारे साथ में स्वाति सिंह जी मौजूद है जो महानगर मंत्री हैं, यहाँ पे अयोध्या की महानगर मंत्री हैं। जो नीतीश जी ने विवादित टिप्पणी बयान किया हुआ है उस पे बोलना चाहती हैं कुछ और उनको मुंह तोड़ जवाब देने का जो कार्य कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नीतीश जी ने वहाँ के एक सूबे के रसूखदार, एक मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इतनी घटिया हरकत की है, इतना निंदनीय है कि मैं जितना ही बोलूं उतना ही कम है। विधानसभा सत्र में बैठ के महिलाओं के सामने उनको क्या कैसे बोलना चाहिए उनको यही मैटर नहीं। मैं पहले तो मुझे लग रहा था कि ये शिक्षित हैं, लेकिन कल इन्होंने जो वक्तव्य बोला है उससे मुझे लग रहा है कि ये भी डिग्री लेके बैठे हुए हैं। इतना घटिया लेवल की बात, इन्होंने देश की आधी आबादी का जो इंसल्ट किया है, इतने बुरी तरीके से इंसल्ट किया है कि वहाँ महिलाएं शर्मिंदा हो रही हैं, उसके बाद भी ये बोल रहे हैं। पत्रकार भाइयों, आप ध्यान से सुनिए, अरे जनसंख्या नियंत्रण का मामला है, आपको यही नहीं पता है कि कैसे बोलना है। हम तो यही गुजारिश करेंगे कि नीतीश जी इस्तीफा दें। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं कि जो हमारी बेटियां हैं उनको पढ़ाओ और बढ़ाओ, उनका नारा जो है, और एक तरफ नीतीश जी का जो नारा है कि जनसंख्या नियंत्रण पर जिस तरीके से उन्होंने विवादित टिप्पणी और बयान दिया हुआ है उसको लेके क्या कहना चाहते हैं? हमारे देश के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमें गर्व है कि वो देश में प्रधानमंत्री हैं, तो हम महिलाएं सुरक्षित हैं, हम महिलाएं कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन बिहार में भाजपा की सरकार नहीं है, उनकी इतनी घटिया मानसिकता, नारियों के लिए इतनी घटिया सोच कि जो नारी का सम्मान आज से नहीं पौराणिक काल से हो रहा है। नारी ही लक्ष्मी है, नारी ही दुर्गा है, नारी जिस घर में है उस घर को एक स्वर्ग कहा जाता है, जो महिलाओं को सम्मान करता है उसे, मतलब वहाँ बोला जाता है कि वहाँ देवताओं का निवास होता है, जहाँ नारियों का सम्मान होता है। उस विधानसभा सत्र में बैठे हुए इतनी सारी विधायक महिलाएं उपस्थित थीं, इन्होंने विधानसभा में बोला, एक बार गलती करी, फिर ये विधान परिषद में भी वही बात बोला। जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ
हाँ, दर्शकों से यही मैं अपील करूंगी कि देखिए, आप लोगों को इस देश में सुरक्षित रहना है तो भाजपा की सरकार लाइए, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइए अपने देश में, क्योंकि जब हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी रहेंगे तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा। क्योंकि देखिए, जो भी आतंक पहले कितना आतंकवाद था, तो क्या अयोध्या की जनता की भी गुहार यही है कि बीजेपी को लाया जाए? बीजेपी ही लाना है, अयोध्या की जनता और कुछ नहीं सोच रही है, बीजेपी ही लाना है, क्योंकि बीजेपी आएगी तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा, हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। जैसा कि इनका कहना है, अयोध्या की जो जनता है वो राममयी है और सिर्फ बीजेपी ही चाहती है। खबरों के अपडेट के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए। धर्मनगरी अयोध्या से मैं शक्ति ठाकुर, प्राइम टीवी। संभल से सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला सराय तरीन का है, जहां एक सौतेले पिता ने अपनी दो मासूम बच्चों की जमकर पिटाई कर दी, जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई और दूसरी गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज भी अभी जारी है। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। सबसे पहले इनकी शादी जो हुई थी, दरबार लगता, दरबार के अंदर चांद है, चांद नाम का लड़का, उससे शादी हुई थी। उसके बाद में वो जेल चला गया था, जेल से जाने के बाद में इनके साथ शादी हुई, ये दोनों घर में पकड़े गए। उसके बाद में शादी हुई, शादी होने के बाद में अब इधर को 3-4 महीने सही रह रहे थे। अब इधर को ये शराब पीने का आने के बाद में इसे ने किया हुआ, अंदर से ताला लग, गेट लगा के लड़की को मारा, एक बच्ची को मार दिया, मतलब मार के हत्या कर दी उसकी। हत्या कर दिया। इसके पति नहीं। क्या नाम है उसका? उसका नाम मुन्ना, असली नाम तो। मौला सराय तरीन में रहने वाले मुन्ना हसन और नफीस ने नशे की हालत में अपनी पत्नी शाइस्ता बेगम, जिससे उसकी 5 माह पूर्व शादी हुई थी, तथा शाइस्ता की 2 बेटियां जो उसके पूर्व पति से थीं, जिनकी उम्र 3.5 साल और 2 वर्ष है, को पीटा, जिससे मौके पर 2 वर्षीय पुत्री की मृत्यु हुई तथा शाइस्ता और उसकी अन्य 3.5 वर्षीय पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गई। इस सूचना पर तुरंत उस टाइम क्या बोल रहा था वो? दूसरा औरत ने आदमी ने कह रहा भाई बच्चों के क्यों मार रहा हूँ, तो इन्हें ये क्या, बच्चे मेरे हैं तो मैं मार रही हूँ, तो तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है, मैं अपने बच्चों को तो मार रहा हूँ, ये क्या, ये ना क्या। जब तक मारता रहा जब तक बच्ची मरना गई। कितनी बड़ी बच्ची थी जो मरी है जी? जिसकी मौत हुई है वो बच्ची कितनी बड़ी थी? 2 साल। कितने बच्चे हैं आपके? 2। बुलंदशहर में पुलिस दबिश के बाद एक युवक के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने शव आहार बाईपास जहांगीराबाद रोड पर रखकर जाम लगा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस कल गांव में गौकश और पशु चोरों का सत्यापन करने आई थी, जिसके बाद ये घटना हुई। मौके पर थाने की पुलिस मौजूद है। पूरा मामला जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के गाँव जलीलपुर का बताया जा रहा है। आज दिनांक 10/11/23 को थाना जहांगीराबाद की पुलिस पशु पठान तथा लूट से संबंधित संदिग्धों के सत्यापन हेतु ग्राम जलीलपुर गई हुई थी, जिसके क्रम में सलीम पुत्र सब्बीर, जिनकी उम्र करीब 55 साल है, इनसे भी पुलिस द्वारा पूछताछ की गई। प्रातः CSC से सूचना प्राप्त होती है कि उपरोक्त सलीम की मृत्यु हो गई है, जिसके आधार पर मृतक के शव को पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दिया गया, जिसकी वीडियोग्राफी कराकर पैनल द्वारा पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई जा रही है। इनके शरीर पर कोई जाहिर चोट के निशान नहीं है, फिर भी मृत्यु का सही कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई जाए। इनके परिवार द्वारा जो तहरीर दी गई है उस पर जांच करके विधिक कार्यवाही की जा रही है। रायबरेली में शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामला सलोन कोतवाली क्षेत्र का है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश कर रही है। थाना के अंतर्गत पीरा नगर में चक्रोड में नाले पे एक सुबह डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई, जिसके ऊपर बाइक गिरी हुई थी। उक्त सूचना पर सलोन पुलिस के द्वारा तुरंत घटनास्थल निरीक्षण किया गया, फॉरेंसिक टीम भी आई। अब तक जो तथ्य प्रकाश में आया है, मृतक का नाम रिनेश गुप्ता पुत्र वंशी लाल गुप्ता है। ये मटेरवा चौराहे के पास चाउमीन की दुकान लगाते थे और कल शाम को दुकान से 8-8:30 बजे के आसपास निकले होंगे, घर नहीं आए। परिजनों को लगा कि कहीं गए होंगे, आ जाएंगे। आज सुबह डेड बॉडी देखकर उन्होंने शिनाख्त की। कुशीनगर में प्रशासन अवैध शराब बनाने वाले को लेकर एक्शन में है। मामला कस्या थाना क्षेत्र का है, जहां SDM और जिला आबकारी के साथ कस्या पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही कर 100 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की है और साथ ही 1,000 किलोग्राम लहन को नष्ट भी कर दिया है।
गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। वहीं दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। आपको बता दें कि इन बदमाशों ने 4 नवंबर को लोहा व्यापारी के कर्मचारियों के साथ मारपीट की थी और लूट की घटना को अंजाम दिया था। घटना हुई थी जिसमें उसकी स्कूटी और उसमें रखा हुआ कैश लुटेरे लेके भाग गए थे। पुलिस ने तुरंत ही घटना का संज्ञान लेते हुए घटना के अनावरण के लिए टीमों का गठन किया गया था। इसी प्रयासों के दौरान एक मुखबिर द्वारा एक सूचना मिली कि घटना को जिसने अंजाम दिया था वो आज यहाँ पे चौधरी मोड़ के तरफ से मूव कर रहा था। पुलिस ने संदिग्ध व्यक्तियों के चेकिंग चल रही थी, तभी विजयनगर की तरफ से एक बाइक पे रायबरेली में घर के अंदर पटाखा बनाते समय विस्फोट हो गया। वहीं विस्फोट में मासूम बच्चों सहित 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। वहीं घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पटाखा बनाते बनाते विस्फोट हो गया। किसके यहाँ हुई है? मुस्तफा के बेटियां हैं, उसके लड़के तो है नहीं। जी जी हाँ, मुस्तफा के घर में मतलब ब्लास्ट हुआ, कब हुआ? अभी करीब आधा घंटा, हाँ आधा घंटा, साढ़े ग्यारह करीब करीब 12 जी जी। तो घटना में कितने लोग घायल हुए? घटना में 4 लोग घायल हुए। 4 कहाँ पे उनको भेजा गया है? जो घायलों को कहाँ पे भेजा गया? घायलों को अस्पताल भेजा गया झाउखेड़ा। कौशाम्बी में यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। मामला सैनी थाना क्षेत्र का है, जहां नेशनल हाईवे पर एसटीएफ ने अवैध अंग्रेजी शराब से भरा एक कंटेनर पकड़ा है। आपको बता दें कि एसटीएफ ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं बताया जा रहा है कि अवैध अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप हरियाणा से बिहार के लिए ले जाई जा रही थी। बरामद शराब की कीमत लगभग 1.35 करोड़ बताई जा रही है। थाना सैनी क्षेत्र में एसटीएफ के सहयोग से एक कंटेनर पकड़ा गया है, जिसमें 935 बोतल शराब है, जो हरियाणा से बिहार जा रही थी। मार्केट में इसकी अनुमानित कीमत करीब 1.35 करोड़ है। इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, कंटेनर गिरफ्तार हुआ है, सेल विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जो विवेचना से तथ्य आएंगे प्रकाश में प्रकार। आगरा में कमिश्नरेट पुलिस त्योहारों को लेकर सतर्क हो गई है और 5 दिन के दीपोत्सव त्योहार को लेकर आगरा पुलिस ने सुरक्षा का खाका तैयार किया है। आपको बता दें कि चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती रहेगी और बाजारों में खरीदारी सराफा व्यवसायी के प्रतिष्ठानों के आसपास भी पुलिस की निगरानी करेगी। पुलिस के पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। आज से धनतेरस शुरू हो रहा है, आज से बाजारों में काफी भीड़भाड़ रहेगी, चहल पहल रहेगा। बाजारों में विशेष प्रबंध किए गए हैं पुलिस के, टिकेट्स लगाए गए हैं, मोबाइल ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, डायल 112 की गाड़ियों को बाजारों के आसपास तैनात किया गया है। सभी थाना अध्यक्षों को, क्षेत्राधिकारियों को, ACPs को और वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किए गए हैं कि स्वयं बाजारों में या जहां पर भी भीड़भाड़ रहता है वहां स्वयं अपनी निगरानी में स्वयं भ्रमणशील रहते हुए सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करें, सारी ड्यूटियाँ मुस्तैद रखें। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।